नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लोरिंग टाइल कमल वर्मा पर। आज मैं आपको एक मार्बल से संबंधित जानकारी दूंगा कि हम एडहेसिव में जो काम कर रहे हैं आजकल, वो पहले हम जो एडहेसिव यूज़ करते थे सिर्फ टाइलों पर ही यूज़ करते थे। दीवार पर हमें टाइलें लगानी हो, फर्श में लगानी हो, या हमें कोई एलिवेशन लगाना हो, तो हम अब जो फर्श पर जो मार्बल फिट करते हैं, अब हमने वो एडहेसिव से ही लगाना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि अब जो आने वाला हमारा जो आगे भी जो फीचर होगा वो सीमेंट से जो है बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। पीपीसी वगैरह सीमेंट होती है जो, तो ये सभी एडहेसिव मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग कंपनियों के। तो हमारी साइट पर ये लैटीग्रेट का एडहेसिव आया हुआ है, और हम जो मार्बल जो फिट कर रहे हैं ये हमारा इटालियन मार्बल है। और ये देखिए, और जो एडहेसिव आया हुआ है फ्लोर पर मार्बल फिटिंग के लिए, वो हमारा लैटीग्रेड का 335 सुपर फ्लैक्स है। और ये ही हमारी कंपनी ने जो गाइडलाइन दी हुई है कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 के हिसाब से समझाया हुआ है कि आपको एडहेसिव कैसे यूज़ करना है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा कि हम फ्लोर पर जो मार्बल फिट कर रहे हैं वो एडहेसिव हमें कैसे मिक्स करना चाहिए। मैंने पहले भी जब हम टाइल लगा रहे हैं तो उसका भी इसी तरह मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। तो हमें जिसमें हम एडहेसिव, जिस भी अपना बकेट या जो बाल्टी हम बनाते हैं एडहेसिव मिक्स करते हैं, उसमें हमें पहले पानी डाल लेना चाहिए। और पानी डालने के बाद में फिर एडहेसिव उसमें डालना चाहिए, और एकदम इकट्ठा भी नहीं डालना चाहिए हमें एडहेसिव। ये आप देख सकते हैं, हमने इसमें पहले पानी डाला है फिर एडहेसिव डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग जो फ्लोरिंग हमारी लगती है, टाइल मार्बल या दीवार पर टाइल दें, तो लगभग हमारा सभी काम अब एडहेसिव से शुरू हो जाएगा। और भी आने वाले टाइम में तो पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह ग्राइंडिंग से मिक्स कर सकते हैं, एक ग्राइंडर है ये मिक्स करने के लिए। इससे हमें बेनिफिट ये रहता है ग्राइंडर से मिक्स करने से कि कोई भी गांठें नहीं रहती, और एडहेसिव जो है प्रॉपरली अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अभी भी इसमें गांठें आपको नज़र आ रही होंगी जैसे, तो हम इसे कुछ देर तक जब तक चलाएंगे कि जब तक ये गांठें हमारी सारी मिक्स ना हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये मिक्सिंग करने का। और हमें एडहेसिव कभी तसले में डालकर नहीं बनाना चाहिए, हमेशा हमें ग्राइंडर से ही मिक्स करना चाहिए एडहेसिव, चाहे वो किसी भी कंपनी का एडहेसिव हो। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे।